दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी वजह से फिल्म स्टार अजय देवगन आजकल काफी चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 की, जिस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन खुद है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पायलट विक्रांत खन्ना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, मगर रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, वो भी तब जब उन्हें रनवे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लैंडिंग सक्सेसफुल होती है और उस फ्लाइट में सवार 150 यात्रियों की जान बच जाती है, मगर पायलट विक्रांत खन्ना को उनकी इस लापरवाह हरकत के लिए ट्रायल का सामना करना पड़ता है। फिल्म रनवे 34 में अजय देवगन कैप्टन विक्रांत खन्ना का रोल कर रहे हैं, जो उस ब्लाइंड लैंडिंग के आरोपी है। फिल्म में दिखाया गया है कि रूल्स विक्रांत खन्ना के लिए कोई मायने नहीं रखते, वो वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। उनकी को पायलट के रोल में राकुल प्रीत सिंह है और एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इस मामले की जांच करने वाले शख्स नारायण वेदांत का रोल अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में बताया गया है कि यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। असल में रनवे 34 एक नहीं दो घटनाओं को मिलाकर बनाई गई फिल्म लग रही है। पहली घटना है अगस्त 2015 में हुई दोहा कोची फ्लाइट इंसिडेंट और दूसरा ढाका काठमांडू प्लेन क्रैश। फिल्म में इन दोनों घटनाओं से कुछ कुछ चीजें ली गई है, तो चलिए आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में डिटेल में बताते हैं। पहली घटना है अगस्त 2015 का दोहा कोची फ्लाइट इंसिडेंट। 18 अगस्त 2015 की सुबह 5:45 पर दोहा से जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W555 कोची में लैंड करना था। इस फ्लाइट में क्रू समेत कुल 150 लोग सवार थे। पिछली रात केरल में हुई भारी बारिश की वजह से आसमान में घना कोहरा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि फ्लाइट को कोची एयरपोर्ट पर लैंड करना संभव नहीं था। आधे घंटे तक कोची एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने के बाद पायलट ने फ्लाइट को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। वहां भी विजिबिलिटी उतनी नहीं थी जितनी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए जरूरी होती है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी कम होने के बावजूद उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी जाए। इसके बाद पायलट ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के रनवे नंबर 14 पर लैंडिंग की 3 कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। लैंडिंग की इन कोशिशों के चक्कर में उनका फ्यूल इतना कम हो गया था कि कुछ न दिखने के बावजूद फ्लाइट को दूसरे एंड यानी रनवे नंबर 32 पर ब्लाइंड लैंड कराना पड़ा। इस दौरान पायलट ने मेडे कॉल भी कर दी थी। मेडे बिल्कुल इमरजेंसी कॉल होती है। मेडे कॉल के बाद पायलट ने लैंडिंग की 4th कोशिश की। हालांकि इस लैंडिंग में किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं आया। फ्लाइट में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। मीडिया में तो इस चीज के लिए पायलट की खूब सराहना हुई कि उन्होंने 150 लोगों की जान बचाई, मगर इस लैंडिंग को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले को उतनी ही तवज्जो दी जितनी वो किसी प्लेन क्रैश की घटना को देते हैं। उनका फोकस 2 चीजों पर था। पहली चीज ये कि फ्लाइट में फ्यूल इतना कम क्यों था, और दूसरी पायलट का घबराहट और लापरवाही भरा बर्ताव, जो उसने 150 सवारियों के साथ फ्लाइट को बिना विजिबिलिटी के लैंड करा दिया। फिल्म रनवे 34 के ट्रेलर में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि फ्लाइट की ब्लाइंड लैंडिंग कराने के लिए कैप्टन विक्रांत को ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म का नाम भी उसी रनवे के ऊपर रखा गया है जहां फ्लाइट लैंड कराई गई थी। फिल्म में रनवे 32 को रनवे 34 कर दिया गया है। ये तो थी पहली घटना। दूसरी घटना थी मार्च 2018 का ढाका काठमांडू प्लेन क्रैश। 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BH211 ढाका से काठमांडू के लिए उड़ी। इस फ्लाइट में कुल 71 लोग सवार थे, मगर काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये फ्लाइट क्रैश हो गई। इस क्रैश में 71 में से 51 लोगों की मौत हो गई। इस क्रैश की वजह पायलट की लापरवाही मानी गई क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के अलर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि कैप्टन अबिद सुल्तान मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, वो थकान और नींद की कमी का भी शिकार थे। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि कैप्टन सुल्तान पूरे रास्ते यंग फीमेल को पायलट से बात करते हुए आ रहे थे। उस पायलट को उन्होंने खुद ट्रेन किया था। उस बातचीत का अधिकतर हिस्सा उनके निजी रिलेशनशिप के बारे में था। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट में एक खबर भी छपी थी। इस खबर में ये दावा किया गया था कि कैप्टन अबिद सुल्तान ने कॉकपिट में सिगरेट पी क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थे। साथ ही लैंडिंग के दौरान उन्होंने कंट्रोल टावर से भी झूठ बोला। ये वो दूसरी घटना है इसका जिक्र हमें रनवे 34 में देखने को मिलता है। एक सीन में आप अजय देवगन को कॉकपिट में सिगरेट पीते हुए देख सकते हैं। तो ये थी मूवी रनवे 34 के पीछे की असली कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और मूवी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। थैंक यू।